हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप भी अपने बालों के टूटने झड़ने से परेशान हो चुके हैं? बालों की ग्रोथ को अच्छा करना चाहते हैं? क्या आपके भी बालों में रूसी और डैंड्रफ हो गया है? बाल बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं या फिर समय से पहले सफेद हो रहे हैं? तो दोस्तों, आज आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपके बालों की ये सभी समस्याएं चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। ये तरीका आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को चुटकियों में दूर कर देगा और आपके बालों को लंबा, काला और घना बनाएगा। साथ ही आपके बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल बंद कर देगा, आपके पतले बालों को मोटा करेगा, बालों के थिकनेस बढ़ाएगा, बालों को घना, काला और चमकदार बनाएगा। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको जितनी भी चीजें चाहिए वो बहुत ही सस्ती हैं और आपके घर में बहुत ही आराम से मिल जाएंगी और आप इस रेमेडी को बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इस रेमेडी को तैयार करने के लिए जो भी चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगी और आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इस बहुत ही इफेक्टिव और मैजिकल रेमेडी को आपको कैसे तैयार करना है। तो आपको इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले लेना है मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स, जिससे पतले और छोटे बाल बहुत ही जल्दी लंबे, मोटे और घने हो जाते हैं। दोस्तों, मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण ये बहुत सारी बीमारियों और ब्यूटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप मेथी दाने का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये सफेद बालों से लेकर के गंजेपन तक सभी परेशानियों से आपको छुटकारा दिला देता है। दोस्तों, इसमें न्यूरोटिक एसिड होता है जो कि आपके बालों को बढ़ने में मदद करता है और आपके बालों का झड़ना तुरंत ही बंद कर देता है। इससे आपके बालों में बहुत ही अच्छी चमक आएगी, बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की और चमकदार हो जाएंगे और साथ ही आपके सर में अगर डैंड्रफ और दो मुहे बालों की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद अगली चीज जो आपको लेनी है वो है कलौंजी यानी ब्लैक क्यूमिन सीड्स। दोस्तों, कलौंजी आपके बालों को झड़ने और सफेद होने से बचाती है। इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बालों के बढ़ने में मदद करती हैं, बल्कि आपके गंजेपन को दूर करके नए बाल उगाने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों, कलौंजी में भरपूर मात्रा में विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। दोस्तों, ये हमारे झड़ते हुए बालों को तुरंत रोकती है और साथ ही उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। और अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो चुके हैं तो कलौंजी का इस्तेमाल करके आप उनको काला, घना और हेल्दी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि हमें कलौंजी और मेथी दाने का इस्तेमाल अपने बालों में किस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले एक बर्तन में 2 गिलास पानी ले लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। इसके बाद आपको इसमें लेना है लगभग 2 से 3 चम्मच मेथी दाना। अब आपको इसमें लगभग 2 चम्मच कलौंजी डालना है। इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इन दोनों चीजों को हमें अच्छे तरीके से उबाल लेना है। आपको इसको तब तक बॉईल करना है जब तक जो 2 गिलास पानी हमने डाला था वो घट करके 1 गिलास तक रह जाए। दोस्तों, इसे बॉईल करने से मेथी दाना और कलौंजी के जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो इस पानी के अंदर आ जाएंगे और हमारी एक मैजिकल और इफेक्टिव रेमेडी बनकर के तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आपको इसे 5 से 10 मिनट तक बॉईल कर लेना है जब तक पानी का कलर अच्छे से चेंज हो जाए और ये रिड्यूस होकर 1 गिलास तक रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में मेथी दाना और कलौंजी ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और हमारा पानी भी घट करके आधा रह गया है और मेथी दाना और कलौंजी की जो भी प्रॉपर्टीज थी वो इस पानी के अंदर आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस पानी को छान करके अलग कर लेंगे। तो अब एक बोल के अंदर हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेथी दाना और कलौंजी के पानी को अलग कर लिया है। दोस्तों, जो बचा हुआ मेथी और कलौंजी है वो आपको फेंकना नहीं है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इस पानी में आपको ऐड करना है 1/2 नींबू का रस। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पानी है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और हमारा मेथी और कलौंजी का पानी बन करके तैयार हो गया है। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल वाटर है जो कि आपके बालों को नेचुरली ग्रो करेगा, बालों को झड़ने से रोकेगा और साथ ही नए बाल उगाने में भी मदद करेगा। इसके बाद जो बचा हुआ मेथी दाना और कलौंजी है इसको भी हम अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसको ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका अच्छे तरीके से एक फाइन पेस्ट जैसा तैयार कर लिया है। अब इसको किसी बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं।
तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा हेयर मास्क बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने अपने बालों के लिए एक मैजिकल वाटर भी तैयार कर लिया है और साथ ही हमने एक हेयर मास्क भी तैयार कर लिया है। दोस्तों इस पेस्ट को आपने सर धोने से पहले अपने बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। बालों की जड़ों से लेकर के पूरे बालों की लेंथ में इसको आप अच्छे तरीके से लगा लीजिए, जिससे पूरे बाल इस पेस्ट से अच्छे तरीके से कवर हो जाए। जब भी आपके बालों में अच्छे से लग जाए तो इसको आपने लगभग 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद में आपको अपने बालों को किसी माइल्ड या हर्बल शैम्पू से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। दोस्तों इसे लगाने के बाद में आप 1/2 घंटे के लिए इसको इसी तरह से अपने बालों में छोड़ दीजिए और उसके बाद बिल्कुल साफ पानी से बालों को धो लीजिए। दोस्तों जब भी आपको सर धोना हो आप इन दोनों रेमेडीज को यूज कर सकते हैं और वीक में कम से कम 2 बार इन दोनों रेमेडीज को आप जरूर अप्लाई करिए। आप देखेंगे कि पहली बार के इस्तेमाल से ही आपके बालों का जो झड़ना और टूटना है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। साथ ही आपके पतले बाल धीरे धीरे मोटे होने लगेंगे, सफेद बाल धीरे धीरे काले होने लगेंगे और साथ ही ये नए बाल उगाने में भी काफी हेल्पफुल होता है। दोस्तों इन दोनों रेमेडीज को आप बना करके जरूर इस्तेमाल करिए और अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे जरूर शेयर करिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस रेमेडी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।